हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पेटीएम यूपीआई के द्वारा पेमेंट रिसीव व रिफंड को किस तरह से डिटेल ग्राफ में प्रोसेस करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले यूपीआई के द्वारा पेमेंट रिसीव के प्रोसेस को देखते हैं। हम सेल्स में सेल्स इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें कस्टमर का नेम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट के साथ साथ क्वांटिटी इंसर्ट करेंगे और सेव करेंगे तो पेमेंट डिटेल की विंडो ओपन होगी। अब ऑन कैश से सिलेक्शन को रिमूव करके कार्ड यूपीआई को सेलेक्ट करना है, फिर हमें कार्ड टाइप में पेटीएम यूपीआई सेलेक्ट करना है, फिर मोबाइल नंबर एंटर करके सेव पर क्लिक करेंगे तब मैसेज हैज बीन सेंड सक्सेसफुली शो होगा। हम फोन में चेक करेंगे कि पेटीएम से मैसेज आया है या नहीं। मैसेज आने के बाद हम इसे पेटीएम यूपीआई मोड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेमेंट रिसीव करते हैं। अब हम देखते हैं कि रिटेल ग्राफ के द्वारा यूपीआई से किया हुआ ट्रांजैक्शन को पेमेंट रिफंड कैसे करते हैं। इसके लिए हमें सेल्स में पेटीएम हिस्ट्री को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ हम ट्रांजैक्शन को डेट वाइज सेलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं। यहाँ हमको यूपीआई से करी हुई ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी है, यानी जिसका हमको अमाउंट रिफंड करना है वो ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर रिफंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर एक मैसेज शो होगा कि रिफंड रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुली रेज्ड फॉर दिस ट्रांजैक्शन बट इन पेंडिंग स्टेट। इसके बाद ट्रांजैक्शन में रिफंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर हमको पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना है तो मैसेज आएगा रिफंड सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में यूपीआई के द्वारा पेमेंट रिसीव और रिफंड किस तरह से करते हैं इसके प्रोसेस को समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली विजिट एट www.swindia.com।